एक विषय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है और मेरा उस विषय में मत है कि कोई सरकार का काम नहीं है और न ही ये किसी दल का काम है। देश की जिनकी चिंता है ऐसे सब लोगों का काम है और इस सदन में बैठे हुए हर किसी का काम है और सबका बराबर काम है। और वो विषय राष्ट्रपति जी ने स्पर्श किया, पहले प्रणवदा जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने भी उल्लेख किया था और पहले भी कई लोगों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं और वो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ करवाना। ये ठीक है, राज्यसभा में जो आते हैं उनको ये चुनाव की आपाधापी क्या होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों करके आए उनको पता है, दो पता है, कुछ लोग पराजित होकर के बाद में राज्यसभा पहुंचते हैं वो उनको भी उस अनुभव है क्या कठिनाई रहती है। लेकिन कभी सोचना होगा कि एक स्वस्थ परंपरा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र काफी मैच्योर हुआ है, हम सब हिम्मत करके एक स्वस्थ परंपरा की दिशा में हम जा सकते हैं क्या। और मैं चाहता हूं 1967 तक ये चला, लोकसभा विधानसभा साथ हुए लगभग 1967 तक ये चला है, उसमें एकाध दो शायद अपवाद हो सकते हैं लेकिन चला है। और उस समय कोई तकलीफ किसी को हुई नहीं, लेकिन बाद में किसी न किसी राजनीतिक कारणों से असंतुलन पैदा हुआ और आज हम देखते हैं एक चुनाव आया पूरा हुआ कि दूसरे की तैयारी हो जाती है, दूसरा पूरा हो तीसरा, और उसका दबाव केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों पर रहता है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक सुखद एटमोस्फियर होना चाहिए, चुनाव के 4-6 महीने हम समझ सकते हैं तू मैं चल जाए, लेकिन 4-4.5 साल तो कम से कम हम मिल बैठ करके देश के लिए काम कर सके, हमारी पूरी शक्ति काम में लगे, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उस दिशा पर एक व्यापक चर्चा हो। और आप देखेंगे अब जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 4 राज्य उसके साथ हैं, आंध्र, तेलंगाना, अरुणाचल और उड़ीसा। कठिनाइयां क्या है हम भलीभांति जानते हैं। 2009 में करीब करीब 1000 करोड़ खर्चा हुआ लोकसभा के चुनाव में, 2014 में यह करीब करीब 4000 करोड़ खर्चा, 1000 से 4000। इतना ही नहीं, 2014 के बाद जो असेंबली के चुनाव हुए उसमें अब तक करीब करीब 3000 करोड़ खर्चा हुआ। अब ये हम कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसा देश जहां गरीबों के लिए बहुत कुछ पहुंचाना अभी हमारी जिम्मेवारी है। और हम चुनावों के अंदर हमारे यहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग 9,30,000 पोलिंग स्टेशनों पर उनकी ड्यूटी लगती है, बहुत बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस चुनाव प्रबंधन में ही लगे रहते हैं, सिक्योरिटी के मसले नई नई चैलेंज उभरती जाती है और हमारा फोर्स बस उसी काम में लगा रहता है। ये पक्षापक्षी से परे का विषय है, देश हित के विषय में हो सकता है इसमें मतभेद भी हो लेकिन तर्क की चर्चा तू मैं से ना हो, एक प्रामाणिक पवित्रता से हम बहस करें, मिल बैठ के कोई रास्ते खोजे। और मुझे लगता है कि हम इसको आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। हमने ऐसे बहुत ऐसे निर्णय किए हैं जो बहुत दुनिया के देशों को अजूबा लगता है, इतनी पार्टियां और ऐसा निर्णय हो सकता है, लेकिन यही सदन में बैठे हुए लोगों ने भूतकाल में किए हैं, श्रेष्ठ निर्णय किए हैं, आने वाली पीढ़ियों को लाभ करने वाले निर्णय किए हैं। मैं समझता हूं फिर एक बार दोनों सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों के सामने एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन दिशों इसको करें।